हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है 7-7 पोर्टल पर। आज 7-7 पोर्टल है, आप जानते हैं ये चीज। 7 जुलाई सातवा महीना। आपके रिश्ते पर इस 7-7 पोर्टल का मेजरली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लव लाइफ पर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, 7-7 पोर्टल का इफेक्ट आपके रिश्ते पर क्या पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है इस पोर्टल की वजह से आपके रिश्ते में, क्या कोई चेंज आ सकता है। तो जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पर्सन के नाम को आप 3 बार ले सकते हैं, उनके फेस को थड़ाई पर विजुअलाइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है 7-7 पोर्टल का आपके रिश्ते पर, जिस भी तरीके का रिश्ता आपका है अपने पर्सन के साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए 7-7 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिश्ते पर। फर्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मतलब किसी तरीके का स्ट्रगल, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पर्सन के किसी और के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, ठीक है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा। किसके लिए ये लड़ाई झगड़ा होगा? जस्टिस के लिए। ये संघर्ष है न्याय के लिए, ठीक है। ये आपके साथ इस रिश्ते में न्याय लाने की कोशिश कर सकते हैं, न्याय के लिए एक तगड़ा अप्रोच, कोशिश, एफर्ट्स, जिसके चलते झगड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। अगर आपके लव लाइफ में पार्टनर की एनर्जीज में, पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। ऑब्वियसली आपको न्याय देने के लिए इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा। चेंज ये है कि आपके पर्सन अगर सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे थे तो आने वाले समय में इस रिश्ते के लिए पंगे ले सकते हैं। अब अगर इन्हें आपके साथ आगे कंटिन्यू करना है तो इन्हें बोलना भी पड़ेगा, इन्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर ये एक्शन मोड पे आएंगे तभी इस प्यार को जीत तक ले जा सकते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, कमिटमेंट के नाम पे आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो इस रिश्ते में ये चेंज आ सकता है कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगे, हीलिंग की एनर्जी से गुजर सकते हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप सिचुएशन में। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी वाइब्स भी आ रही है यहाँ पे कि सामने से आपको रीच आउट करें, बातचीत करें और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगे, या आपको बहुत ज्यादा ऐसा शो करें कि इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था, ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, खुद से अप्रोच करेंगे अगर बहुत ज्यादा इकोइस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स। किसके लिए अप्रोच करेंगे? रिकंसिलेशन के लिए। मैरिड लाइफ में अप्रोच कर सकते हैं अगर आप इन्हीं से मैरिड हैं। अगर आप इनसे मैरिड नहीं है, आपका सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है और कोई रिश्ता है, तब भी, क्योंकि आपके साथ एंजॉयमेंट चाहिए, आपके साथ सेलिब्रेशन, फन चाहिए, तो ये आपकी तरफ आपको मनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये किसी ऐसी सिचुएशन से हमेशा के लिए मूव ऑन करेंगे जो इनके लाइफ में आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस, कुछ ऐसी चीजें जो एक नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसे ही फैक्टर्स से ही मूव ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इस 7-7 पोर्टल के इफेक्ट से आपको अपने पर्सन से कोई या तो छोटा जेस्चर या कोई बड़ा कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है इस 7-7 पोर्टल के प्रभाव से। कोई डेविल एनर्जी है आपके रिश्ते में तो हो सकता है कि किसी तरीके का ब्लैक स्पेल, कोई स्पेल वर्क अगर है तो वो नॉर्मलाइज हो या वो कट जाए। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे अगर सिर्फ नेगेटिव ही सोचा है, नेगेटिव ही किया है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़कर अपना इंपॉर्टेंट रोल आपकी तरफ प्ले कर सकते हैं। आपको मिस करेंगे काफी ज्यादा, तो अप्रोच रहेगी कि आपकी तरफ आया जाए, आपको मनाया जाए और इस रिश्ते को फिर से फ्रेंडशिप से शुरू किया जाए।
होता है ना कि अब आपको किसी के साथ आगे बढ़ना है तो आप अपनी शर्म को छुपाने के लिए या अपने आप को अगर आप शर्मिंदा फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके अप्रोच करेंगे और क्या चल रहा है, कैसे क्या कर रही हो, अब तुम्हारी लाइफ में आगे क्या चीजें हैं, क्या सोचा है, मतलब ऐसे करके कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो इनकी ये वाली अप्रोच हो सकती है आपकी तरफ। और क्या चेंज आ सकता है भोलेनाथ? चेंज है द वर्ल्ड का, आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, आप लोग कुछ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं इसके इफेक्ट से। दो तरफा सिचुएशन अगर रही है और पार्टनर आपको नेग्लेक्ट कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपको बराबर की प्रायोरिटी देंगे। आपको भी अपनी लाइफ में एक ऐसा स्थान दें जहां पर ये समझ में आए कि यार इस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस भी मेरी लाइफ में उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, जितना किसी अदर सिचुएशन का है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ या छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे निभानी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट है द हैंग्ड मैन। कुछ लोगों के पार्टनर ओवर थिंकिंग करने पर भी मजबूर होंगे इस रिश्ते में, अगर गलत नहीं किया है इनके अकॉर्डिंगली, सोच नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो ये जो समय है आपके पर्सन को डिवाइन से अलाइनमेंट में लेकर आएगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा, आपके बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। वी हैव टू ऑफ कप्स विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग में चल रहा है रियूनियन, तो रिकंसिलेशन हो सकता है। इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स के लिए हाथ पैर मारने वाले हैं, किसके लिए? रियूनियन के लिए। एफर्ट्स लगाएंगे, स्टैंड ले सकते हैं और लोगों के सामने जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। इस कनेक्शन में एक हलचल की एनर्जी है, एक्टिविटीज की एनर्जी है जो ये नहीं दे रहे थे। एक स्टेग्नेंट सिचुएशन में थे, रेस्ट पे थे, तो ये कुछ हथियार उठाने वाले हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इस एनर्जी का इफेक्ट आपको कब तक नजर आ सकता है गाइज? तो मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 days तक के अंदर ये एनर्जी स्ट्रांगली आपके रिश्ते पर चेंज लेकर आ सकती है। रिश्ते में इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग सिचुएशंस में जो जो यहाँ पे एनर्जीज आई है इन वेज में आपके रिश्ते पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जिसकी भी बातचीत होती है, जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आने वाले समय में जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।